गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम बनाएंगे अल्बेक स्टाइल चिकन नगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चिकन है, चिकन का कीमा, बोनलेस चिकन हमने लिया है। ये तकरीबन हाफ केजी है। डाला है 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट इसमें मारी गई है 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये हमने 1/2 टेबल स्पून के करीब हमारी अनियन है। अनियन को हमने घिस के इसका पानी अलग निकाल लिया था। पानी निकालने के बाद हमने इसमें अनियन डाली है और ये हमारा लहसुन का पेस्ट है 1/2 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून हमारा ये गया है इसके अंदर विनेगर। और ये हमारी 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल रहे हैं हॉट सॉस। ये होममेड हॉट सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स कर लिया है बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके लिए कोटिंग तैयार करनी है, इसमें इसे कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लेंगे वो हम ये हमारा जाएगा इसके अंदर 1/2 कप मैदा और इक्वल क्वांटिटी में हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। नेक्स्ट इसके अंदर हमने 2 eggs ऐड करने हैं। ये दोनों हमने eggs ले लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से whisk कर लेंगे। अच्छे से हम इसे मिलाना है, कोई crumbs ना रहे। टाइम टू टाइम हम इसमें मिल्क ऐड करते रहेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कप मिल्क ऐड करा है। अगर आपको हमने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन रखनी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो आप धीरे धीरे करके भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इकट्ठा भी मिला के आप इसे कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पतला भी ना हो। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ये डाला है पिंच ऑफ फूड कलर। ये सिर्फ उसका जो टेक्सचर आएगा, वो बाहर से कलर आएगा, उसे इन्हांस करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है, आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, बट प्रेफर हम ये करते हैं कि हम इसे डाल लें क्योंकि उससे कलर बहुत बेहतरीन सा आता है। अब हमने जो हमारा जो हमने मिंस्ड हमने चिकन लिया था, हमें उसको नगेट्स के लिए हमने शेप देनी है, थोड़ा सा रेक्टेंगल। आप चाहें तो कोई और शेप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि हम थोड़ा सा ओवल और रेक्टेंगल के बीच का शेप रखें। हमने हाथों से प्रेस करके इसको बनाया है, जिसे आप देख रहे हैं। आप भी ऐसे ही ट्राई करिएगा। देखिए ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये रेडी है हमारे सारे, थोड़ा ओवल टू रेक्टेंगल के बीच का शेप है हमारा। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक वॉक में हमने ऑयल हीट कर लिया है। अब हम इनको कोट करेंगे।
इस लिक्विड में। और यहाँ पे हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम इसको अपने इस लिक्विड बैटर में डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अच्छे से कवर करिएगा, इसी से ये क्रिस्पी बनेंगे एंड दे आर रियली यम। अच्छे से हमने कोट कर लिया है। अब हम इसको हमारी जो कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है उसमें डालेंगे। हमें इसको मीडियम पे पकाना है, मीडियम फ्लेम पे, लेकिन तेल आपका गरम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारे गोल्डन हो गए हैं, टाइम टाइम इन्हें टर्न कीजिए। और ये बिल्कुल एकदम बढ़िया से गोल्डन जब हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि ये हो गए हैं। पकाएंगे हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही, ताकि वो अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इनको निकाल देंगे। देखिए ये हमारे तैयार हैं एंड दे आर रियली यम। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये नगेट्स कैसे लगे। कीप वॉचिंग कलिनरी मास्टर माइंड। Do like, share and subscribe to our channel for more new recipes. Thank you.